बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे आज रिलीज हुई दो फिल्मों की। जानेंगे दर्शकों को कितना थ्रिल कर पाए मर्डर थ्री और कितना लुभाई जयंत भाई की लव स्टोरी। क्रिटिक्स और दर्शकों की कसौटी पर कितनी खरी उतरी ये दोनों फिल्में, देखिए हमारे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में। एक नई शुरुआत के लिए जो है उसका खत्म होना जरूरी है। बचपन से गुड्डा गुड्डी की कहानी भेजी गई थी कि एक लड़का लड़की से मिलता है और साथ पढ़ते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। पर आज की दुनिया में, आज की इतनी कम्युनिकेशन की दुनिया में ऐसा होता नहीं है। हम और लोगों से भी मिलते हैं और एक एक आप एक रिश्ते में बंधने के बाद भी कभी ऐसा नहीं है कि बाहर किसी को किसी से आप अट्रैक्टेड नहीं होते या कुछ नहीं होता। तो जो एक जो वो फेरी टेल हमें बेची गई थी कि ला शादी होगी या आप एक दूसरे को मिल जाओगे तो लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हैप्पीली एवर आफ्टर, जो आप खुशी से रहेंगे जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी दुख से भरी होती है, उतार चढ़ाव से भरी होती है। तो उस प्यार को एक जो जो उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि शक कि आप रात को लेट आ रहे हो, बीवी आपका हस्बैंड पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, या आपका फोन पे मैसेजेस चेक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपने पासवर्ड लगा रखे हैं हर जगह, तो उन सब चीजों पे इस मूवी की धारणा टिकी हुई है और वो उस गुड्डा गुड्डी की धारणा को कत्ल करने के पूरे इरादे में। मूवी के जो डायरेक्टर हैं विशेष भट्ट, उनकी डेब्यू फिल्म है, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? विशेष भट्ट सबसे शांत भट्ट है और वो शांति पिक्चर में भी दिखती है। बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही अपने दिमाग वाला है। पेशेंस से उसने हर एक इस पिक्चर का एक एक कण जोड़ा है और मुझे बहुत खुशी हुई उसके साथ। फेरी टेल तो काफी पहले छूट गई थी, जैसे पता चला था कि सेंटा क्लॉज, जैसे बच्चे को पता चलता है कि सच्ची में नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ही अंदर रखते, तो फेरी टेल तो बहुत सालों पहले टूट गई थी। अब प्रैक्टिकलिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे हैं लोगों में, जैसा मैं हूँ वैसा मुझे आप अपना लो, मुझे बदलो मत, ना मैं तुम्हें बदलूंगा और वो हमारे लिए ठीक होगा, ये तात्पर्य प्यार का आज मुझे समझ में आता है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट? मेरे बहुत प्रोजेक्ट हैं, एक पिक्चर है शूटर जो मैंने डी और रिस्क के डायरेक्टर के साथ की है, और फिर एक पिक्चर है जॉन डे जो मैंने नसीर भाई के साथ की है, एक पिक्चर है उंगली जो करण जौहर की प्रोडक्शन है, और अभी मैं इम्तियाज अली की पिक्चर हाईवे शूट करने आऊँगा दिल्ली, तो ये सब पाइपलाइन में है। ओके, धन्यवाद रणवीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मर्डर थ्री के लिए और आपकी लाइफ के लिए।